लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। नहाए खाए के साथ गंगा घाटों पर जो छठवर्ती हैं सुबह से ही पहुंच रहे हैं। छठवर्ती गंगा में स्नान कर नहाए खाए के लिए कद्दू और चावल धोकर गंगा से बाहर निकल रहे हैं, गेहूं धोकर सुखा रहे हैं। और इस बीच पूरे पटना सहित पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर जगह जगह पर छठवर्तियों के लिए साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं भगवान भास्कर की मूर्ति भी कई जगहों पर स्थापित की जा रही है पंडाल बनाकर। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं पटना के दीघा घाट पे, मेरीन ड्राइव पर। इस बार भगवान भास्कर जो है वो बालू पर उनकी आकृति बनाई जा रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें राजधानी पटना के मेरीन ड्राइव की तस्वीर है, जहां गंगा वाले बालू से भगवान भास्कर की तस्वीर उकेरी जा रही है। और इसे बनाने वाले कलाकार ने जितनी शिद्दत से भगवान भास्कर की आराधना, उपासना और प्राकृत की इस पूजा में खुद भगवान भास्कर को आसमान से जमीन पर उतारा है, वो उसे देखने के लिए तमाम लोग दीघा घाट पहुंच रहे हैं। और हर कोई इस जो तस्वीर है उसे देखकर सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में शाम के अर्घ जो है वो भगवान भास्कर को दिया जाएगा, फिर उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देना है। ऐसे में सूर्य उपासना का महापर्व है और इस महापर्व में हर व्यक्ति अपने तरफ से छठ व्रतियों के लिए, छठ पूजा में शामिल लोगों के लिए योगदान कर रहा है। कुछ लोग घाट की साफ सफाई और निर्माण का काम कर रहे हैं तो कुछ लोग पूजा पंडाल बनाकर। इस बीच एक सैंड आर्टिस्ट ने बालू पर भगवान भास्कर की आकृति उकेरी है, जिसे देखने वाले देखकर चकित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि छठ पूजा के अवसर पर पूरे बिहार से अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। भगवान भास्कर की कई सारी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और इस बीच ये जो तस्वीरें है काफ़ी मनमोहक है। और जिस जगह पर यह तस्वीरें बनाई जा रही है बालू पर, सबसे खास बात है कि पूरा पटना की बात करें तो तमाम पटना में जितने भी छठवर्ती होंगे उनके लिए सबसे सुलभ और बेहतरीन और खूबसूरत जो घाट है वो दीघा में ही बनता है। और दीघा घाट पर इस तरीके के जो पेंटिंग है, जो आकृति है वो बनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसे देखकर हर छठवर्ती भगवान भास्कर को जो आराधना करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, वो भगवान भास्कर की इस मूर्ति के साथ अपनी जो उपासना है, सूर्य उपासना, वो करेंगे, पूरा करेंगे। और इसी के साथ जो महापर्व की शुरुआत हुई है 4 दिनों तक, उस पर्व की तैयारी गंगा घाट से लेकर घर और छतों तक, जो मोहल्ले के पार्क के अंदर जो तालाब है उन सभी जगहों पर किया गया है। और इस बीच जो हम खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक कलाकार ने भगवान भास्कर की बालू पर जो आकृति उभारी है, जो बनाई है, उसे देखकर हर कोई छठी मैया के आगे, भगवान भास्कर के आगे सर झुका रहा है। और इस कलाकार को और भगवान भास्कर की इस जो आकृति को लेकर चर्चा कर रहा है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।